नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। कोरोना के साथ प्रशासन ने भी रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, प्रशासन ने भी यहां पर रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि कोरोना ने इस बार हिसार के अंदर एकदम से छलांग लगा दी है। परसों की बात की जाए तो हिसार के अंदर 2 केसेस आए थे। अगर 13 मार्च की बात करूँ तो 13 मार्च को 10 केस आए थे, जो कि अब तक सबसे ज्यादा थे। लेकिन कल की बात की जाए तो कल हिसार के अंदर सबसे ज्यादा केस आए हैं, यानी कि 19 कोरोना संक्रमित पकड़े गए हैं, जिनके अंदर से 7 स्टूडेंट्स हैं। इसी को लेकर के अब हिसार के अंदर रफ्तार तेज हो गई है, लगातार कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ जो है लोगों को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं जो है लोग यहाँ पर जो है भागते हुए भी नजर आते हैं जब इनको पकड़ा जाता है। धड़ाधड़ यहाँ पर चालान भी काटे जा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि कोरोना की टीम यहाँ पर टेस्ट कर रही है तो चालान नहीं कटेंगे। आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर चालान भी काटे जा रहे हैं और साथ ही साथ सैंपल भी कलेक्ट किया जा रहा है। हेल्थ टीम यहाँ पर मौजूद है, सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर जो भी यहाँ से गुजर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कोरोना अब यहाँ पर सख्ती जो है प्रशासन ने दिखानी शुरू कर दिया। कोरोना की चपेट के अंदर लोग अब ज़्यादा आने लगे हैं। पहले की अगर बात की जाए तो पहले मार्च के अंदर ही कोरोना शुरू हुआ था और अब दोबारा से एक साल बाद मार्च के अंदर ही दोबारा से कोरोना की रफ्तार तेज़ी से बढ़ने लग गई है। कहीं ना कहीं अफवाह भी फैल रही थी कि हिसार के अंदर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने कल आ करके क्लियर किया है कि अगर इसी तरीके से कोरोना बढ़ता गया हरियाणा के अंदर तो वो दिन दूर नहीं जब लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे परहेज कराइए। देखिए अभी जो है हेल्थ टीम यहाँ पर मौजूद है और हेल्थ टीम यहाँ से जाने वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उन सभी को पकड़ने की जो है कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग बदतमीजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जो हेल्थ टीम के वर्कर है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अब तक कितने चालान आप लोग काट चुके हैं और कितने सैंपल कलेक्ट कर चुके हैं? 12 चालान काट चुके हैं हम यहाँ पे, वो जो विदाउट मास्क आते हैं और जो सैंपल करवाने में भी मतलब बदतमीजी से पेश आते हैं, जो ना तो अपना मास्क पहन के चलते हैं और ना ही चालान कटवाने के लिए बहसबाजी करते हैं, तो उनका चालान भी करते हैं, उसके बाद हम सैंपल करते हैं उनका। 12 के करीब हम आज चालान भी काट चुके हैं और सैंपल हमने 65 के करीब कर लिए। ठीक है, आप लोग कब तक जो है कोरोना टेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं? हम मैडम अभी तो जितने लोग आ रहे हैं और जैसे जब तक हमारी तबीयत ठीक ठाक रहती है किट के अंदर, क्योंकि पसीना पूरी तरह से आ जाता है, अब हमें 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे किट पहने हुए, और जैसे हमारी तबीयत जब तक ठीक रहेगी तब तक हम सैंपल कर रहे हैं। कब तक एक किट चल जाती है? एक किट कब तक चल जाती है? नहीं चलती है मैडम। नहीं, कितने घंटे तक चल जाती है? वैसे तो 2-2.5 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है मैडम। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे मतलब ये ऐसे ही हो जाता है कि तबीयत बिल्कुल चक्कर आने जैसे कंडीशन आ जाती है, तब हमें उतारनी पड़ती है। ठीक है, तो अब आज कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने टेस्ट किए हैं? अभी हम बस स्टैंड पे कर रहे हैं मैडम, और मिराज सिनेमा के ऊपर रेगुलर सैंपलिंग चल रही है, वारा चौक चल रही है, लाहौरिया चौक भी चल रही है मैडम, और सब्जी मंडी जो यहाँ पुरानी सब्जी मंडी है वहाँ पे भी चल रही है। कुछ भी नहीं होगा इधर मुंह से। ये देखिए कहीं ना कहीं जो है कोरोना के सैंपल टेस्ट कराने से डर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स उनको प्यार से समझा रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा और कोरोना टेस्ट आपको करवाना ही पड़ेगा। ये देखिए सिर्फ एक बार आपको जीभ बाहर निकालनी है, उसके बाद कुछ नहीं है, थोड़ा आगे आ जाओ आप, थोड़ा आगे आ जाओ, कुछ नहीं है, एक बार मास्क उतार दो, होने की कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, सिर्फ जीभ बाहर निकाल दो, बस सिर्फ जीभ बाहर निकालो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जीभ बाहर निकालो आप, एक बार जीभ बाहर निकालो, प्लीज एक बार जीभ बाहर निकालो, प्लीज एक बार जीभ बाहर निकालो, कुछ भी नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा, जीभ बाहर निकालो, बस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं परेशान होने देंगे आपको, जीभ बाहर निकालने आपको, एक बार जीभ तो बाहर निकालो, प्लीज एक बार जीभ बाहर निकालो, सिर्फ एक बार करो तो सही, कुछ भी नहीं होगा। 5 साल के बच्चे भी यहाँ पे आके सैंपल दे रहे हैं, 5 साल के बच्चे भी यहाँ के सैंपल दे रहे हैं, जीभ बाहर निकालो, बस हो गया। ये देखिए हेल्थ टीम जो है बिल्कुल प्यार से यहाँ पर समझा रही है, अगर कोई भी यहाँ से गुजर रहा है और आनाकानी कर रहा है तो उसको जो है पुलिस के पास भेज दिया जा रहा है, पुलिस उसे हैंडल कर रही है, लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, उनके साथ जो हेल्थ टीम है बहुत ही अच्छे से ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है। सर, आपसे जानना चाहूँगी
कि यहाँ पर लोग जो है किस तरीके से आकर के आनाकानी करते हैं? इधर करवा लो बात, पहले आप बताओ। हाँ सर, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो टेस्ट कराने के अंदर किस तरीके से आनाकानी करते हैं? बहुत सारे बहाने मारते, जैसे हमने करवा लिया, पीछे करवा के आए हैं, अभी कल करवा था, इस प्रकार के बहाने लगाते लोग। आनाकानी बहुत करते हैं, बिना मास्क लगाए लोग भी आनाकानी करते हैं। ठीक है सर, अभी आप बता रहे थे कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रहती है आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अभी 2-3 जनों को पुलिस पकड़ करके लेके गई है, हुआ क्या था? मैडम वो था कि ना तो उनके चेहरे के ऊपर मास्क था, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम सैंपल नहीं देंगे, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम सैंपल नहीं करवाएंगे, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कि आप सैंपल कर रहे हो, हम ठीक ठाक हैं, ऐसे माना नहीं जा सकता कि आप ठीक ठाक हो, क्योंकि कोविड के जो केस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक भी आ रहे हैं, कि विदाउट सिम्टम्स के भी हो सकता है, कि सिम्टम्स लेट आते हैं कई बार, ठीक है, वो तो इसलिए हमें उनका रैंडमली अभियान चला रखा है ये, कि हम जैसे कंटेनमेंट जोन में सैंपल करते हैं कि जिसके घर पे पॉजिटिव आ जाता है उनके तो करने ही करने होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पता नहीं लग पाता है, तो लेकिन वो ट्रांसमिट कर देता है, चैन बन रही है कोविड की, कॉन्टैक्ट में आता है तो आगे आगे पॉजिटिव आ जाते हैं केस, इसलिए हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं कि जिसका कुछ भी नहीं पता होता उनको हम विदाउट मास्क वालों को सैंपल कर रहे हैं। ठीक है, हिसार के अंदर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या प्रिकॉशन लोगों को अब लेनी चाहिए? मैडम प्रॉपर मास्क लगा के चलो, और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बना के चलो, और अपने जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलें। ठीक है, कोरोना के टेस्ट आप लोग रेगुलर कर रहे हैं, अब तक एक हफ्ते की बात की जाए तो कितने संक्रमित हिसार के अंदर मिले हैं? मैडम अब जो जो मतलब सैंपलिंग बढ़ रही है तो केस भी बढ़ रहे हैं, जैसे कल 19 केस आए हैं, आज भी 20 करीब 18-20 कुछ ऐसे पॉजिटिव केस आए हैं, तो जैसे जैसे मतलब यानी कि 18 से 20 अभी तक आ चुके हैं, 12-12:30 बजे तक आ चुके हैं, बिल्कुल कल के 18 केस आ रखे हैं मैडम, क्योंकि कल सैंपलिंग भी कुछ कारणों की वजह से मतलब कोई जरूरी काम की वजह से सैंपलिंग भी कम हुई थी, लेकिन फिर भी 18 केस पॉजिटिव आ रहे हैं। कल 19 केस पॉजिटिव आए हैं, आज की बात की जाए तो अब तक कितने आ चुके हैं? पता नहीं है क्योंकि आज के सैंपल अभी जाएंगे मैडम, तो वो कल पता लगेगा। तो ये देख रहे हैं आपकी हेल्थ टीम जो है लगातार यहाँ पर कोरोना के टेस्ट कर रही है, चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। इस वक्त मैं हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, दिखा देती हूँ, यहाँ से आने जाने वाले लोग जो है लगातार गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, मास्क नहीं लगाने की वजह से यहाँ पर हेल्थ टीम उनको पकड़ रही है। शहर के अलग अलग चौराहों पर हेल्थ टीम जो है कहीं ना कहीं कोरोना का टेस्ट करती हुई नजर आ रही है, चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर आप भी यहाँ से गुजर रहे हैं, मास्क लगाना छोड़ चुके थे, तो अब दोबारा से मास्क लगाने की बारी आ चुकी है, अब आप लोगों को दोबारा से मास्क लगाना बहुत अनिवार्य हो गया है, सतर्कता ही आपको बरतनी पड़ेगी। ये देखिए पुलिस टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी उन लोगों के चालान काट रही है यहाँ पर जो मास्क नहीं लगा रहे, एक तरफ पुलिस यहाँ पर खड़ी है, एक तरफ जो है हेल्थ टीम के वर्कर्स यहाँ पर खड़े हैं जो कोरोना टेस्ट यहाँ पर कर रही है। एक बार जानने की कोशिश करते हैं पुलिस वालों से कि आखिरकार हुआ क्या था। हाँ सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी कुछ ही समय पहले आप लोग यहाँ ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद आप लोग मुझे यहाँ नजर नहीं आए, हुआ क्या था? अभी एक ऑटो वाला था, उसने रोका नहीं, हम उसको है ना सब्जी मंडी चौकी में छोड़ के आए हैं दोबारा वापस दोबारा। तो चालान क्या काटे जा रहे हैं? चालान काटे जा रहे हैं और इसकी टेस्टिंग करवाई जा रही है। ठीक है, कितने के चालान कट रहे हैं? चालान डेली के कट रहे हैं, 15-20 चालान हम काट रहे हैं डेली। और चालान के पैसों की बात की जाए तो 500 रुपए का ही कट रहे हैं? हाँ, चालान तो 500 का ही है, तो सरकारी उसके अपना। ठीक है, लगातार जो है इस तरीके से अब प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है, चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी चालान कट सकता है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, आगे भी इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी कि कहाँ कहाँ पर चालान कट रहे हैं। नमस्कार।